एक ऐसा मंदिर जो देश के बाकी मंदिरों से है बिल्कुल अलग, एक मंदिर जो अपने विचित्र नजारों से सबको हैरत में डाल देता है, एक ऐसी जगह जहां की रहस्यमयी आवाजें रोंगटे खड़ी कर देती हैं, जहां दुनिया भर के साइंटिस्ट और डॉक्टर्स करने आते हैं रिसर्च, एक ऐसा मंदिर जहां आस्था और अंधविश्वास के बीच की लकीर बहुत धुंधली नजर आती है, एक ऐसा मंदिर जहां लगती है भूतों की अदालत और सुनाए जाते हैं फैसले, जहां के दृश्यों को देख अपनी आंखों पर ही नहीं होता यकीन, एक मंदिर जो विज्ञान को देता है चुनौती। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आ चुकी हूँ ऐसी खास जगह पर जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, जो कि अपने रहस्यों और चमत्कारों के लिए जाना जाता है। जी हाँ, ये है भगवान हनुमान का एक खास मंदिर, जहाँ की सिर्फ भगवान हनुमान ही नहीं बल्कि प्रेतराज सरकार और भैरव भी हैं, और इन तीनों देवों की यहाँ पूजा होती है। यहाँ कई ऐसे रिसर्च हुए चमत्कारों को लेकर, लेकिन आज तक उन सवालों के, उन रहस्यों के जवाब नहीं मिले जिसकी तलाश में यहाँ पर साइंटिस्ट और डॉक्टर्स तक भी आते रहे। तो आज इसी खास जगह पर मैं आ चुकी हूँ। मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें यहाँ की जान सकूँ, समझ सकूँ और आप तक भी पहुँचा सकूँ। हमारे देश में आस्था, अध्यात्म और धर्म को खास दर्जा मिला हुआ है और भारत के धर्मस्थल पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। इस आधुनिक युग में भी भारत में कई ऐसे मंदिर हैं जो रहस्यों से भरे हुए हैं। इनमें से ज्यादातर मंदिरों के पीछे कोई न कोई रोचक कहानी या घटनाएं बताई जाती हैं। ऐसा ही एक रहस्यमयी मंदिर है मेहंदीपुर बालाजी, जो राजस्थान के दौसा जिले के पास दो पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ है। ये मंदिर बाकी मंदिरों से बिल्कुल अलग है और दावा किया जाता है कि यहाँ भक्त सिर्फ दर्शन के लिए ही नहीं बल्कि अपनी गंभीर बीमारियों से छुटकारा और नकारात्मक प्रभाव से मुक्ति के लिए भी आते हैं। आज के अपने इस ब्लॉग में मैं आपको कराऊंगी इसी मिस्टीरियस टेंपल की यात्रा, करेंगे बालाजी और प्रेत सरकार के दर्शन, आपको दिखाऊंगी कुछ ऐसी तस्वीरें जो शायद इससे पहले आपने कभी ना देखी हो। यहाँ आए श्रद्धालुओं और लोकल लोगों से भी हम बातचीत करेंगे और उठेगा यहाँ के उन रहस्यों से पर्दा जिन्हें समझना और सुलझाना बेहद मुश्किल रहा है। लंबे समय से मैंने इस मंदिर की कई मिस्टीरियस कहानियों के बारे में सुना था और इसे खुद से एक्सप्लोर करना चाहती थी। तो अक्टूबर के इस प्लीजेंट वेदर में रात में अपनी गाड़ी से दिल्ली से 5 घंटे का सफर तय करके सुबह सुबह मैं पहुंची दौसा जिले मेहंदीपुर स्थान पर। मंदिर के पास में ही एक होटल लिया और यहां स्नान करके निकल पड़ी मंदिर की ओर। मंदिर तक पहुंचने के लिए कच्चा रास्ता था क्योंकि ये पूरा इलाका अब भी शहर जैसा डेवलप नहीं हो सका है और रास्तों के दोनों तरफ पूजन सामग्री और खाने पीने की ढेरों दुकानें लगी हुई थीं। दुकानदार अपनी तरफ खींचा खींची में लगे थे कि ग्राहक उनसे ही सामान खरीदे, यानी देखने में सब कुछ सामान्य लग रहा था। खैर, मैं आगे बढ़ी और मंदिर दर्शन की लाइन में खड़ी हो गई। यहाँ लाइन कई पार्ट में बटी हुई थी और लोहे के बैरियर और वायर्स पार्टीशन के लिए लगाए गए थे। लोग चीटियों की चाल से आगे बढ़ रहे थे और हर तरफ बंदरों का शोरगुल और उछल कूद सबका ध्यान खींच रहा था। कुछ लोग बालाजी के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे तो कुछ यहाँ के रहस्यों के बारे में दूसरों को बताने में लगे थे। यहाँ रोशनी बहुत कम थी और माहौल थोड़ा अलग सा लग रहा था। कुछ लोगों ने मुझे शूट करता हुआ देखकर कहा कि मैं आगे मंदिर में शूट नहीं कर पाऊंगी क्योंकि कैमरा अलाउड नहीं है। सुबह सुबह यहाँ करके लगभग 3 बजे से ही लोग लाइनों में खड़े हो जाते हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन है और काफ़ी घुमावदार रास्तों से होते हुए इस लाइन को पूरा करके और उसके बाद आखिर में बालाजी के दर्शन होंगे। दर्शन के लिए लोगों में काफ़ी ज़्यादा जोश है, लोग जयकारे लगा रहे हैं, काफ़ी महिमा बताई जाती है और कहा जाता है कि इस मंदिर में अगर आप आते हैं, आपके ऊपर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा है,
और किसी भी तरह की बाधा है तो वो सब कुछ यहाँ आकर के प्रकट हो जाता है। भगवान बालाजी की कृपा से वो सब बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। काफ़ी यहाँ पर तेज आवाज़ें हैं, काफ़ी शोर है, इस वजह से आपको यहाँ जयकारों के अलावा कुछ और सुनाई नहीं देता होगा। लेकिन ये देखिए किस तरह से यहाँ पर लाइनों में लोग चल रहे हैं। सबके अंदर काफ़ी आस्था, विश्वास और विश्वास इस बात की कि जिस भी समस्या के लिए वो आए हैं वो समस्या ज़रूर दूर होगी। मैंने नोटिस किया कि यहाँ पर हर तरफ कुछ विचित्र चीजें देखने को मिल रही थी जिनसे शायद आप डर भी सकते हैं। जैसे मंदिर में कहीं सैकड़ों ताले लटके हुए थे तो कहीं अजीब तरह से जंजीर बंधे हुए थे। मंदिर के बाहरी हिस्से में कुछ लोग ऐसे बैठे थे जैसे उनके साथ कुछ अजीब घटना घटी हो। कोई जोर जोर से चिल्ला रहा था तो कोई अपने कुछ अर्जियां लगा रहा था, लेकिन इस चीज को समझना इतना आसान नहीं था कि आखिर ये हो क्या रहा है। और मैं इस वक्त बिल्कुल बालाजी का जो मुख्य मंदिर है उसके पास आ चुकी हूँ। ये देखिए किस तरह से भीड़ है और ये वो द्वार है जिससे कि अंदर जाना है। हालांकि कोविड की वजह से पिछले 1.5 साल से यहीं पर प्रसाद ले लिया जा रहा है। इसी तरह की तस्वीरों को कौतूहल से देखते हुए मैं आगे बढ़ी और मंदिर में उस जगह पर पहुंची जहां बालाजी की मूर्ति स्थापित है। इस मूर्ति को लेकर भी मैंने कई दावे सुने थे जिसमें सबसे बड़ा दावा था कि यहां बालाजी यानी हनुमान जी की मूर्ति से पानी निकलता रहता है। इस घटना को करीब से देखने के लिए मैंने जूम करके वीडियो भी बनाए। यह काफी भीड़ उमड़ रही थी और लोग बालाजी के दर्शन के लिए धक्का मुक्की कर रहे थे। कोई जमीन पर बैठ के अर्जी लगा रहा था तो कोई तेज तेज आवाज में उन्हें बुला रहा था। वाकई ये दृश्य काफी अलग था, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी, आगे अभी बहुत कुछ देखना बाकी था। तो इस तरह से दर्शन कंप्लीट हो चुका है। हालांकि आज लाइन में ज्यादा देर नहीं लगना पड़ा क्योंकि 7 बजे के आसपास हम लोग लाइन में लग चुके थे, तो इस वजह से काफी अच्छी तरह से दर्शन हो गए और यहाँ की बाकी चीजें भी मैंने आपको दिखाई। विज्ञान हमेशा से ही नकारात्मक शक्तियों के अस्तित्व से इनकार करता रहा है। मैं खुद भी साइंस ग्रेजुएट हूं और बिना प्रमाण चीजों पर भरोसा नहीं करती, लेकिन यहां का नजारा आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि आखिर इन तस्वीरों के पीछे की सच्चाई क्या है। यहां हर रोज दूर दराज से लोग नेगेटिव एनर्जी की बाधा से मुक्ति पाने के लिए आते हैं। हर तरफ एक सी तस्वीरें हमें चौंकाती हैं, भ्रम में डालती हैं, हमसे सवाल करती हैं कि वास्तविकता क्या है। यहाँ बालाजी के दर्शन करने के बाद अंदर ही अंदर मैं पहुंची प्रेत सरकार के पास जो यहाँ पूजे जाने वाले दूसरे देवता हैं। यहाँ भी भक्तों का तांता लगा था और पुजारी लोगों से प्रसाद लेकर चढ़ा रहे थे। आगे बढ़ने पर तीसरे देव भैरव का दर्शन करना था और फिर जिस गेट से हम बाहर निकले वहाँ कई महिलाएं इस तरह से झूमती हुई नजर आईं कि रोंगटे खड़े हो गए। कुछ लोगों के लिए ये आम तस्वीरें थीं तो कुछ के लिए वाकई आश्चर्यजनक। बताया गया कि यहाँ से निकलकर आगे समाधि बाबा पर जाना है जो यहाँ की चौथी जगह थी जहाँ पूजा की जाती है। रास्ते में सीताराम का एक मंदिर भी मिला जहाँ हमने दर्शन किए। फिर गलियों से होते हुए मैं बाकी लोगों के साथ यहां पहुंची तो नजारा सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक था। बालाजी के मंदिर से होते हुए एक गली जाती है लगभग 200-300 मीटर आगे और उसके बाद समाधि वाले बाबा मिलते हैं। यहां पर भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। यहां पर एक पीपल का पेड़ है जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है और दीप प्रज्वलित किए जाते हैं यहाँ पर हमेशा। आपको तस्वीरें दिखाती हूँ मैं। और यहाँ पर काफ़ी लोग आपको मिलेंगे जो कि अलग अलग मुद्राओं में भी होंगे और इनको देखकर कई बार डर भी लगता है, कई बार आश्चर्य भी होता है। कुछ यहाँ पर नीम के पेड़ पर थालियाँ हैं, इनको मैं आपको दिखाती हूँ कि इन थालियों को ऐसे दिखाया जाता है जैसे ये चिपके हुए हैं
खुद से चिपके हुए हैं और इनको देखकर भी काफ़ी आश्चर्य लगता है। और इस तरह की कई सारी ऐसी तस्वीरें यहाँ देखने को मिलती हैं जिन पर आंखों को भरोसा नहीं होता, या कई बार अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो आप डर भी सकते हैं। लेकिन यही रिसर्च का विषय रहा है हमेशा से, या कह सकते हैं कौतूहल का विषय रहा है कि आखिरकार इन तस्वीरों के पीछे क्या सच्चाई है। जैसे आपको ये तस्वीर दिखाती हूँ, देखिए एक महिला है जिनके लिए कहा जा रहा है कि इन पर आत्मा का साया है जो कि यहाँ मंदिर में आने पर अपने आप को प्रकट हो जाता है। और इस तरह से कई सारी चीज़ें यहाँ पर आपको नज़र आएंगी। ये देखिए यहाँ पर क्या चल रहा है, किस तरह से यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि कोई व्यक्ति है जिसके शरीर पर भूत बाधा है और उसके बाद उनका इलाज यहाँ पर किया जा रहा है। और भी कई तरह की तस्वीरें हैं, कई तरह के दृश्य आपको नज़र आएंगे और इसको देखने वालों के लिए भी काफ़ी कौतूहल का विषय ये होता है। खासकर जो लोग पहली बार आ रहे हैं उनको अपनी आँखों पर भरोसा नहीं होता, या कई बार वो सहम जाते हैं, डर जाते हैं, बच्चे रोने लगते हैं इससे। तो इस तरह की कई सारी ऐसी तस्वीरें हैं जिनको कि देख कर आपको आश्चर्य होगा। और बालाजी से बस 200 मीटर आगे ये समाधि वाले बाबा हैं जहाँ की लोग अपनी समस्याओं को लेकर के आते हैं और इस तरह की तस्वीरें नज़र आती हैं। यही वो खास जगह थी जहाँ सबसे ज्यादा लोग कुछ अलग प्रभाव में नजर आ रहे थे। कोई समाधि स्थल की परिक्रमा कर रहा था तो कोई पीपल के पेड़ के चारों ओर चक्कर लगा रहा था, कोई दंडवत सोकर परिक्रमा कर रहा था तो कोई बैठकर अपने सिर घुमा रहा था। इसमें एक ऐसी बच्ची मुझे दिखी जो दंडवत परिक्रमा कर रही थी और उसका परिवार उसे लेकर यहाँ आया था। क्या नाम है आपका? शगुन जी, आप कहाँ से आए हो? अमेठी से। इतनी दूर से आए, क्या यहाँ पर सोच के आप लोग आते हो, कैसा लगता है यहाँ आके? अच्छा लगता है। अच्छा, आप पहली बार आए हो? दूसरी बार आए हो। और कौन है आपके साथ? बुला लो उनको भी, बात करते आओ। आपका क्या नाम है? नितिन तिवारी। आप इनके फैमिली से हैं? जी। अच्छा, तो क्या पहली बार आए हैं आप? हम दूसरी बार आए हैं। जैसे यहाँ के बारे में क्या सुना है, यहाँ आकर क्या आपको दिखता है, क्या लगता है? यहाँ पे जो मतलब कि बालाजी का ऐसा धाम है, उसके बाद में समाधि वाले बाबा का जो स्थान है, ये सब सिद्धपीठ है। यहाँ पे अच्छे अच्छे भला हो रहा है। कि आए थे ये लड़की आज सही हो चुकी है। अच्छा, कोई समस्या थी? बहुत बड़ी समस्या थी। अच्छा, ये लड़की आज ठीक है। ओके। ये अपने खुश होकर के ये परिक्रमा जो ये कर रही है लेट करके, तो ये अपनी खुशी से, क्योंकि इनकी कोई समस्या थी वो दूर हो गई है। अच्छा, ये इनकी मम्मी हैं जी। आइए, क्या नाम है आपका? जी, सुमन बेटी। सुमन जी, आपको यहाँ आकर कैसा लगा? जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत श्रद्धा है हम लोग को बाबा। ओके, तो क्या मन में लगता है यहाँ पर आने के बाद, क्योंकि बाकी मंदिरों से ये स्थान बिल्कुल अलग है? जैसा हम ये सोच कर आते हैं कि हमको पूरा रिलीफ मिलेगा, अपने भला के लिए आते हैं, और पूरा विश्वास है कि बाबा के दरबार से यहाँ से खाली हाथ कोई नहीं जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, तभी आपकी बेटी इतना कठिन ये परिक्रमा भी कर रही हैं। जी, अपनी खुशी से, अपनी श्रद्धा से बेटी करे, इसको कोई कहा नहीं है। तो आप लोगों को यहाँ के बारे में जैसे कैसे पता चला था? अब लोगों के आते आते जानकारी मिली, मोबाइल पे देखते देखते, यूट्यूब पे देखते देखते यहाँ की महिमा पता चली कैसे है। उसके बाद से आप लोग आने लगे। अमेठी से आए हैं? जी, अमेठी से आए हैं। अच्छा, कितना आप फैमिली में और भी है कोई? आप तीन चार लोग आए हैं? जी, हम 6-7 लोग हैं। अच्छा, एक साथ कई लोग? एक साथ में आए हैं। तो यहाँ जो लोग भी देख रहे हैं आपको, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो इस तरफ बालाजी का आशीर्वाद उनके ऊपर बरसता रहे, वो भी सुख शांति से रहे, वो भी दर्शन करते रहे बालाजी। कुछ यहाँ पर जैसे बच्चे हैं तो इनको आकर क्या यहाँ जो स्थितियाँ, कुछ डरते भी हैं या सिर्फ यहाँ पे कोई डर नहीं है? कोई भी बच्चा हो या कोई भी है, सब खुश रहते हैं, मतलब डर वाले नाम तो चीजें नहीं है। यहाँ देश के दूर दराज के हिस्सों से भी लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुँचे थे, जिसमें छोटे बच्चे भी शामिल थे। यहाँ आए कुछ ऐसे ही परिवारों से मैंने बात की और यहाँ आने की वजह पूछा। हाँ, 4-5 साल के बाद आए हैं, आज जो है बहुत अच्छे से दर्शन मिले और बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम टेकराम। टेकराम जी, आप यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, वैसे सोनीपत जिला है मेरा। हाँ, गांव मुड़वाना। तो यहाँ दर्शन के लिए आए थे? नहीं नहीं, मैं नौकरी करता हूँ। यहाँ नौकरी करते? क्या जॉब करते हैं आप? सारा कुछ मारता हूँ जी, ये सब के संकट दूर करता है और सबको शांति मिलती है यहाँ आने से। तो जो यू बीच का है ना हमारा, यू एकदम डायरेक्ट वापस आओगे तो आपको लगता है यहाँ बीच में भी ऐसे लोग हैं जो लोगों को परेशान भी करते हैं या कमाने की कोशिश करते हैं? 2500-4000 रुपए ले लेते हैं जी एक यात्री भैया। अच्छा, पकते अच्छा। ना तो
धेड़ अंग्रह कर रखे जी। अच्छा अच्छा, तो उसके लिए प्रशासन से आप लोग शिकायत नहीं करते? जी शिकायत करा, यादव किसके मन में चढ़ गया, यादव जी की राम बस गया, उसके मन बस गया, उसको काम समझाएंगे तो भी नहीं मानेगा। समझाते रहे क्या मनो भाई को, एक ला दर्शन कर भगवान का अस्तित्व चढ़ा। तो लोगों से कुछ संदेश दीजिए, वो लोग समझे जो लोग देख रहे हैं आपको कि यहाँ आए तो क्या करें कैसे करें। बाबा जी दर्शन करो जी, बस बाबा को। हाँ बस, और किसी पाखंड में नहीं बढ़े, इससे विनती करो ये सब के संकट दूर करें। आस्था विश्वास भगवान पर कीजिए, किसी और पर नहीं, किसी बिचौलिए के फेरे में ना पड़े, ये टेकराम जी का कहना है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने जी, दूर बात करूंगा। कैसा लगता है आपको यहाँ आके? यहाँ आके शांति होती बढ़िया। क्या नाम है आपका? हमारा नाम देवी दीन कुशवाहा। कहाँ से आए हैं आप? हम आए छतरपुर जिला से, एमपी से। एमपी से आए हैं आप, इतनी दूर से ट्रेन से आए हैं? तो यहाँ पर जैसे किसी मनोकामना के साथ आना होता है? यहाँ हर मनोकामना पूरी हो जाती है। हमेशा से आते हैं? हमेशा। और कौन है आपके साथ? हमारे साथ सात लोग। सात लोग और आसपास के? छह लोग और साथ में। अच्छा, क्या नाम है आपका? कैसा लगा आपको यहाँ के? कैसा लगा, क्या देखने को मिला, दर्शन किए? आपका क्या नाम है? लक्ष्मण कुशवाहा। लक्ष्मण, आपको यहाँ आकर कैसा लगा? अच्छा लगा। पहली बार आया आप? नहीं नहीं, हमेशा आते हैं। तो क्या जैसे मन में यहाँ के लिए क्या सोच के आते हैं? कुछ नहीं, बस ऐसे दर्शन करने आते हैं, घूमते हैं। अच्छा, अच्छा लगता है। और यहाँ समाधि पर आकर कैसा लगता है? अच्छा लगता है, घूमते हैं, दर्शन करते हैं। यहाँ समाधि स्थल पर मौजूद दो पेड़ काफी मिस्टीरियस माने जाते हैं, जिसमें एक है पीपल का पेड़ जिसकी लोग परिक्रमा करते हैं, और दूसरा है ये नीम का पेड़ जिसमें कई परात यानी बड़ी बड़ी थालियां चिपकी हुई हैं। इन पर कुछ डिटेल्स भी लिखी हुई हैं जिन्हें आसानी से पढ़ा जा सकता है। इस जगह को पूरी तरह से एक्सप्लोर करने और लोगों से बातचीत करने के बाद मैं जिस नतीजे पर पहुंची वो ये था कि जो लोग कई तरह की परेशानियों और बीमारियों से ग्रस्त होते हैं और सारे इलाज करा के थक चुके होते हैं, वो इस मंदिर में अटूट आस्था की वजह से आते हैं और फिर ऐसा महसूस करते हैं कि ईश्वर उन्हें सुन रहे हैं। कई लोग साइकोलॉजिकली भी बालाजी को सामने महसूस करते हैं और उन्हें चिल्ला चिल्ला कर अपनी परेशानियां बताते हैं। वैसे निराश लोग जो इससे पहले खुलकर किसी से बात नहीं कर पाए थे, वो सबसे ज्यादा यहाँ आकर बातें करते हुए देखे जाते हैं। मुझे नहीं पता मैं कितनी सही हूँ या गलत, या मेरा आकलन क्या है। मुझे नहीं पता कि ये आस्था है या अंधविश्वास, इसमें वास्तविकता है या कोरी कल्पना, पर मैं इतना जरूर मानती हूँ कि आज के समय में अकेलापन, तनाव और नाकामयाबी कई तरह के मानसिक अवसाद पैदा कर देते हैं और इंसान खुद को बेवजह की बीमारियों में घेर लेता है। ऐसे में ईश्वर में विश्वास उसे बेहद शांति और सुकून देता है और व्यक्ति एक अलग जोन में चला जाता है। हो सकता है ये उसी का एक रूप हो। आपकी इस पर क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि इस मंदिर को लेकर क्या मान्यताएं हैं और किन चीजों की मनाही है। एक, मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के प्रसाद को आप किसी को नहीं दे सकते हैं, इस प्रसाद को आप घर भी नहीं ले जा सकते हैं। दूसरा, ऐसी लोक मान्यता है कि आप यहाँ के किसी भी सामान को खरीद कर अगर घर ले जाते हैं तो आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है। तीसरी मान्यता है कि मेहंदीपुर बालाजी मंदिर आने वाले सभी भक्तों के लिए एक कड़ा नियम है, जिसमें कम से कम एक सप्ताह तक अंडा, मांस, शराब, लहसुन और प्याज का सेवन बंद करना पड़ता है। हालांकि मैं प्योर वेजिटेरियन हूं, तो मेरे लिए ये कोई समस्या नहीं थी। चौथी बात, यहां किसी तांत्रिक या ओझा की मनाही है, तो आप किसी के बहकावे में ना आए और ना ही किसी को पैसे दें। अब चलिए आपको बताती हूँ कि अगर आप यहाँ आना चाहें तो कैसे पहुँच सकते हैं। मेहंदीपुर स्थान दिल्ली जयपुर अजमेर अहमदाबाद लाइन पर स्थित बांदीकुई रेलवे स्टेशन से 24 मील की दूरी पर स्थित है। बड़ी लाइन के हिंडोन स्टेशन से भी यहां के लिए बसें मिलती हैं। अब आगरा, मथुरा, वृंदावन, अलीगढ़ आदि से भी सीधी बसें जयपुर जाती हैं, वो बालाजी के मोड़ पर रुकती हैं। हिंडोन से सवा घंटे का समय बालाजी तक बस द्वारा लगता है। आप अगर दिल्ली या इस रूट से अपने पर्सनल व्हीकल से मेहंदीपुर आना चाहते हैं, तो यमुना एक्सप्रेसवे से होते हुए मथुरा से आगे होते हुए यहां तक का सफर पूरा कर सकते हैं। और अब मैं आपको बताती हूं कि यहां आने के बाद आप कहां रुक सकते हैं जो आपके लिए किफायती हो।
यहाँ मंदिर के आसपास कई होटल्स और धर्मशालाएं हैं जहाँ रुका जा सकता है। यहाँ चेक इन के लिए 12 बजे आना जरूरी नहीं है, बल्कि मंदिर में दर्शन के हिसाब से ये सुबह 5 बजे से ही अवेलेबल होते हैं। तो चलिए इनमें मंदिर के बिल्कुल करीब के कुछ होटल्स और धर्मशालाओं की जानकारी मैं आपको देती हूँ। यहाँ एसी और नॉन एसी दोनों तरह के रूम मिलते हैं, जिनका टैरिफ अमूमन 500 से 1200 के बीच होता है। हालांकि ज्यादातर लोग यहाँ मंदिर में दर्शन पूजन से पहले सिर्फ स्नान के लिए ही इनकी बुकिंग कराते हैं और फिर कुछ ही घंटों में चेकआउट कर जाते हैं। तो आपको आज का मेरा ये व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में। जय बालाजी।